गुड मॉर्निंग। मुंबई में आज फिर जोरदार बारिश हो रहा है, तो मैं घर के अंदर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज हम कल वाली बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल के मैंने जो है वो ब्लॉग में आपसे कहा था कि प्रेम को लेके मैंने कुछ कहा था आपसे, तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे जो है कमेंट भी किया और मैसेज भी किया, और उन्होंने ये बात बोली कि सर आज के ज़माने में जो है वो ट्रू लव के जैसा कुछ होता नहीं है, कि वास्तविक लव जो है, ट्रू लव जो है वो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, कई लोगों ने बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था जो टूट गया है, छोटी सी बात पर मैं संबंधों को मैनेज नहीं कर पाई या मैनेज नहीं कर पाया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आप लोगों के जो है वो मेरे पास में आए। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात इसमें ये है, नंबर एक, जैसे आपके दिमाग में जो बात बैठी है ना कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एकदम गलत है। गलत इसलिए है कि हम क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे ट्रू लव की डेफिनेशन क्या है, तो यू कैन नॉट डिफाइन इट, कि आपको नहीं पता। आप जिसको ट्रू लव समझते हैं ना, उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस गिनाएंगे आपके, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नहीं। यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बहुत सारा उम्मीदों का बोझ उसके ऊपर रख देते हैं, तो जिसके ऊपर भी आप बोझ रखेंगे वो भागेगा, वो आपके साथ में जो है वो फ्री फील नहीं करेगा। हम में से कई लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम, नंबर एक, हम बहुत अधिक पॉजिटिव होते हैं, यानी हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उससे वैसा व्यवहार करते हैं। हम देखिए कुछ बातें बता रहा हूँ जो हम गलतियाँ करते हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको मैं। तो एक तो हम बहुत अधिक उम्मीदों का बोझ रखते हैं, दूसरा इसके अलावा क्या होता है कि हम जो है वो सामने वाले आदमी को के मालिकाना हक को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक प्रकार से ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारी बात तुमको सुनना ही है, हमारी बात तुमको मानना ही है, क्योंकि तुम हमसे प्यार करते हो। ठीक है, याद रखिए, द लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम, लव इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है, आप फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप एक चीज पर, एक व्यक्ति पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी किसी व्यक्ति पर आप अधिकार करने की कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति रिवोल्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस एक व्यक्ति से लगा देते हैं। ठीक है, आप ये सोचिए, क्या वो सारे एक्सपेक्टेशंस आप अपने किसी फैमिली मेंबर से लगा सकते हैं? आप इतना ही सोचिए कि जितना एक्सपेक्टेशन आप अपनी फैमिली मेंबर से कर सकते हैं ना, उतना ही एक्सपेक्टेशन आपको उस व्यक्ति से करना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों ब्रेकअप्स होते हैं, क्यों आसानी से संबंध टूट जाते हैं? कारण ये है कि मेरा छोटा भाई, मान लो मैं पसंद भी नहीं करता हूँ, वो उससे हर बार गलत तरीके से बात करता मान लीजिए, ठीक है, और मेरा उसका झगड़ा होता है, या मेरी बहन है उससे मेरा झगड़ा होता है, ठीक है, लेकिन तब भी वो मेरी बहन रहेगी, तब भी मैं वक्त बे वक्त उसके काम आऊँगा, तब भी मैं उसकी जो है तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करता हुआ उससे संबंध अच्छे रखने की कोशिश करूँगा। और चूंकि हमारे बीच में एक ऐसा इंटीमेट संबंध है भाई बहन का या भाई भाई का, इसके चलते हम जो है वो ब्रेकअप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम? सोच भी नहीं सकते, मतलब। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को से हम प्रेम करते हैं, तो हमारे पास चूंकि ऑप्शन होता है कि हम किसी और से भी प्रेम कर सकते हैं, ठीक है, किसी तीसरे से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी चौथे से भी प्रेम कर सकते हैं। व्हेन यू फाइंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपको लगता है, तो आप बोलते चलो ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आपको वहां पर एक सुविधा मिलती है, ईज मिलता है एक आपको, ठीक है। और यदि ये ईज ना होना, तो आदमी जो है वो इन फेर में पड़ेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को जब, जिससे हम प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति को हमें, नंबर एक, हमें उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, जो भी अन, जो हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस, हमको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो सिंपल सी बात है कि हमेशा सबसे सफलतम रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, ठीक है ना। और वो दोस्ती जो है वो, यदि किसी व्यक्ति से आपकी मैरिज होती है, उसके बाद भी जो है वो दोस्ती खत्म नहीं होना चाहिए, यानी यदि आप फ्रेंडशिप को सर्वाइव करके रखेंगे, उसे जीवित रखेंगे आप, तो आपके संबंध जो है वो हमेशा बेहतर रहेंगे। तो ऐसा सोचना एकदम गलत है कि ट्रू लव नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि आज भी आपको बहुत मिसालें मिलेंगी इस चीज़ की। लेकिन वही वाली बात है कि ट्रू लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप, एक व्यक्ति बहुत अधिक पॉजिटिव हो गया है, पैशनेट हो गया है, दूसरा व्यक्ति जो है उसकी परवाह नहीं करता। एक्चुअली ये म्यूचुअलिस्टिक होता है, प्रेम इज ऑल अबाउट विन विन सिचुएशन, ठीक है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, तो उसका मतलब, मुझे कई बार लगता है कि वो रिलेशनशिप उतना दम था ही नहीं। यदि वो इतने आसानी से 4 साल का रिलेशनशिप, यदि 15 मिनट में ब्रेक हो गया, एक छोटी सी बात पे ब्रेक हो गया, इसका मतलब वो 4 साल तक ढोया जा रहा था, वो उसको आप ढो रहे थे 4 साल तक, ठीक है। मेरी बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन पर्सनल ब्लॉग में पर्सनल तरीके से बात करूंगा इस पर आपसे, एज ए टीचर बात नहीं करूंगा, एज ए फ्रेंड आपसे बात करूंगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि ऐसे संबंधों को जिनको हमें ढोना पड़े,
वे लंबे नहीं चलते, कोई भी बोझा आप लंबा लेकर नहीं चल सकते। आप केवल जो है वो सामने वाले का हाथ अपने हाथ में लेकर या कंधे से कंधा मिलाकर आप लंबा चल सकते हैं। इसलिए प्रेम को लेकर जो नेगेटिव विचारधारा है, जो नेगेटिव थॉट है, उससे क्या होगा कि उससे हम सामने वाले हर व्यक्ति को जो है वो कंज्यूमेबल के रूप में देखेंगे इसको। ओके, मेरे को कई लोगों ने बताया, कई बच्चों ने कहा कि ऐसा हुआ, धोखा दिया। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो लोग धोखा दे रहे हैं वे लोग जो है रिलेशनशिप की कदर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस ही कभी नहीं किया और उनको भी धोखा ही मिलेगा बदले में। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा फसल कटेगा आपका। तो जाहिर सी बात यह है कि आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक उम्र होती है, माली जो होता है ना, माली आप देखें तो कभी आपने देखा माली को काम करते हुए, छोटा पौधा जब लगता है, छोटे पौधे में जब फल आता है तो वो छोटे पौधे के फलों को काट के फेंक देता है, छोटे पौधे में फ्लावरिंग होती है फ्लावर भी निकाल लेता है उसके, वो कहता है प्लांट को बड़ा होने दो। जैसे बोनसाई जो प्लांट होते हैं उनमें छोटा पौधा होता है, उसमें जो है वो आपका नींबू लग जाता है उसके अंदर, अमरूद लग जाता है उसके अंदर। लेकिन जो किसान होता है बोलता है, नहीं, हम छोटे पौधे में नहीं लगाएंगे इसको, बड़ी जगह में लगाएंगे और छोटे पौधे में फ्लावर आएगा, फल आएगा, तोड़ देंगे हम, क्योंकि ये बड़ा होकर बहुत सारे फल देगा, छोटे में देंगे तो कम फल देगा। वैसे जीवन में संबंध होते हैं कि यदि हम जो है वो रिलेशनशिप्स को यदि हम जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, कम उम्र में उनको संभालने की कोशिश करते हैं, तो हम वो छोटे पौधे के समान जिसमें फल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फल लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, पौधा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए अभी प्रेजेंट जो यदि आप टीनेजर हैं और यदि आप जो यंग एडल्ट हैं, तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आप अपने प्रेम को सस्टेन कर सकें। क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको किसी से प्रेम करना कोई अपराध है, मैं बोलता हूँ प्रेम को सस्टेन करने के लिए आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना कद बढ़ाना पड़ेगा, आपको अचीव करना पड़ेगा ताकि प्रेम को सस्टेन कर सके तमाम विरोधों के बावजूद। नहीं तो जो आप पे सबसे अधिक ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति वही आपको छोड़ जाएगा। क्लियर? तो मेरा मैसेज एकदम क्लियर है कि ट्रू लव होता है, ठीक है, प्रेम भी होता है। बात इतनी सी है कि हम उसको जो है वो विकल्प के तौर पर ना देखें, उसको हम जो है वो कदर करना सीखें, हम बोझा ना बन जाएं किसी के ऊपर, ना किसी को बोझा समझें, तो ही जो है ये पॉसिबल है। तो हैव ए ग्रेट डे अहेड और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और जो है अपने आसपास वाले लोगों को भी अवेयर कीजिए। कोरोना का खतरा भी छोटे शहरों में बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको हाई अलर्ट की जरूरत है। ऑल द बेस्ट।